हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाले हैं दूध की रेसिपी, वो है मिल्क मसाला शेक रेसिपी। ये बहुत ही यम्मी होती है और ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। तो चलिए हम देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये फास्टिंग में भी आप ले सकते हैं, कोई भी व्रत में। तो इसके लिए हमने ये गैस पे पैन को चढ़ा दिया है। ये मेरा पैन गर्म हो रहा है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हैं। ये तो हमने काजू लिया है, काजू को इसमें डाल दिए, और ये बादाम उसको भी डाल दिए हैं, और ये पिस्ता है उसको भी हम इसमें डाल रहे हैं। और इसको हम भून लेते हैं, थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं 2 मिनट। इसको चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ताकि मेरा ये जले नहीं। तो इसको हमने चलाते हुए इसको रोस्ट करना है, बस 2 मिनट। तो देखिए मेरा ये रोस्ट हो चुका है, ड्राई फ्रूट सारे हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम चलते हैं मिक्सी ग्राइंडर में, इसको हम डाल देते हैं, और डाल करके इसको हम मिक्सी में चला लेंगे। इसका पाउडर मसाला तैयार कर लेना है। और मिक्सी जब चलाएंगे तो रुक रुक कर चलाएंगे, लगातार नहीं चलाएंगे, ताकि लगातार चलाने से इसमें तेल छोड़ देगा। तो इसलिए इसको हम बारीक कर लेते हैं, मिक्सी में चला करके पाउडर तैयार कर लेंगे इसका हम। तो देखिए ये हमारी मिक्सी में तैयार हो गई है पाउडर बन करके, ये मसाला ड्राई फ्रूट वाली। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो एक बाउल में इसको हम निकाल लिए। तो एक बाउल में इसको निकाल करके हमने रख लिया है। तो ये हम सारा पाउडर को इसमें निकाल रहे हैं। एक बाउल में सारा पाउडर को हम निकाल लेते हैं पहले, और निकालने के बाद हम फिर से गैस पे पैन को चढ़ाएंगे। तो फिर से पैन को हमने चढ़ा दिया है, अब ये गर्म हो रहा है। अब इसमें हम दूध को डालेंगे। तो दूध को हमने सारे दूध को इसमें डाल रहे हैं, और दूध को डाल दिया इसमें। अब इस दूध को हम गर्म करेंगे और थोड़ा सा चलाते रहेंगे, और दूध को गाढ़ा कर लेना है थोड़ा सा चला करके। तो ये देखिए हमने दूध को चलाते चलाते ये हमारी दूध गाढ़ा हो रही है। तो ये देखिए गाढ़ा हो गया मेरा दूध। अब इसमें हम डालेंगे ये जो मसाला हमने तैयार किया था, वो मसाले को इसमें हम डाल देंगे दूध में। तो ये हमने मसाला को डाल दिया। अब ये मसाला आप चाहें तो बना करके भी रख सकते हैं, क्योंकि स्टोर करके एक डब्बे में रख दीजिए, जब आपका मन करे तो ये मसाला को आप डाल करके और दूध में जब चाहे जब आप पी सकते हैं। और ये 15 दिन तक लगभग ख़राब नहीं होती है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इस मसाले को बना करके। तो देखिए हमने ये मसाला दूध में डाल दिए हैं, और इसको मिक्सिस में कर ले रहे हैं। तो हमने दूध में चलाते हुए मिक्स कर लेना है, और इसको थोड़ी देर इसमें खोलने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, तो चीनी डालना है, आप जितना मीठा पीते हो उस अनुसार से आप अपना चीनी डाल लेना। तो चीनी डाल के मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो मसाला चीनी ये दोनों दूध में मैं मिक्स कर ली, मिक्स कर रही हूँ और चलाते रही हूँ। और ये देखिए खोल रहा है मेरा, गाढ़ा पहले ही हो चुका था। अब ये कुछ देर मैं इसमें बॉयल आने देती हूँ, खौलाती हूँ, बस 2-4 मिनट इसको खौला लेता है। और खौला करके इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो मेरा ये देखिए खौल गया है। अब गैस को बंद कर दिए और इसको एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर बाहर भी ठंडा कर सकते हैं। तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, और ये मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं 2 ग्लास रखी हूँ,
अब दो ग्लास में ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं डाल रही हूँ। तो देखिए ग्लास में इसको मैं डाल दी हूँ, अब दूसरे ग्लास में भी इसको मैं डाल दूँगी और डाल करके इसको ऊपर से गार्निश कर देते हैं। तो इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देंगे, तो उसके लिए हमने इधर बादाम और पिस्ता को क्रश करके रख लिए हैं, तो ऊपर से इसको हम गार्निश कर लेते हैं। तो ये बादाम है, इसको हम ऊपर से थोड़ा सा डाल देते हैं और फिर पिस्ता भी डाल देंगे, तो ऊपर से हमारी ये गार्निश हो गई है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना ये अच्छा लग रहा है और पीने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप चाहें तो इसे कभी भी बना के आसानी से पी सकते हैं, बहुत कम ही समय में बन जाती है और इसे फास्टिंग में भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।